हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साक्षी वर्मा और हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से। आज मैं लेके आई हूँ प्री टू पोस्ट होली स्किन एंड हेयर केयर टिप्स। सबसे पहली टिप मेरी होगी हेयर्स के लिए, क्योंकि हमारे सबसे पहले आते हैं हेयर्स। तो हम हेयर्स के लिए अपने क्या करें, तो कल है जैसे होली, तो आप आज रात को अच्छे से अपने बालों में तेल लगा लें। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सरसों का तेल लगा लें, वो भी बेस्ट है। और क्योंकि हमें सिर्फ अपने बालों को कलर से डैमेज होने से बचाना है, तो ऑयल उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑयल में आप एक काम और कर सकते हैं, उसमें आप लेमन जो होता है, नींबू, उसको आप अपने ऑयल में मिक्स कर लें और उसके बाद उसको रात को लगा लें, या होली से जब आप होली को सेलिब्रेट करने जाना है अपने, तो उससे 2-3 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। तो उसे लगा लें, उससे क्या होगा, आपके हेयर्स जो होंगे वो कलर से डैमेज नहीं होंगे, वो प्रोटेक्ट रहेंगे। अब आती है होली वाले दिन की बात। आपने ऑयलिंग तो कर ली, अब आप सोचोगे कि यार अब हमें स्टाइलिश भी लगना है, सुंदर भी लगना है, क्योंकि पिक्स भी तो क्लिक करनी है ना होली वाली, तो हमें अच्छा भी लगना है, और फिर हमने तेल भी लगा लिया तो अब हम कैसे करें। तो यार आपको पता ही है, फ्रंट चोटी जो होती है ना, उसमें ऑयल हो और ना लगाओ तो वो वैसे ही अच्छी लगती है। तो आप फ्रंट फ्रेंच कर सकते हैं, या पूरी वाली जो फ्रेंच चोटी होती है वो कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं आता ना, तो सिर्फ अपना ऐसे बाल लो और ऊपर ऐसे जूड़ा बना लो, जिसे बन भी बोलते हैं, वो कर लो, वो बेस्ट है, और आपके हेयर्स कलर से बचे रहेंगे और बिल्कुल आप मस्त होली खेलें। बात करूंगी मैं होली के बाद, हेयर्स की बात कर रही हूँ अभी मैं सारी, उसके बाद स्किन में आऊंगी। तो अब आप सोचेंगे हमने होली खेल ली, तो अब क्या करते हैं, कुछ लड़कियां क्या करती हैं ना, ऐसे रगड़ रगड़ के खूब सारा शैम्पू लगा लगा के अपना सर धो लेती हैं। तो उससे क्या होता है, आपके बाल जो कलर से डैमेज नहीं होने वाले होते हैं, तो वो शैम्पू से डैमेज हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितना भी आप कलर निकाल सकते हैं ना, पहले तो ऐसे झाड़ के अपने बालों से निकाल लें, और उसके बाद सिर्फ पानी ही यूज करते रहें अपने कलर को निकालने के लिए। जितना पानी आपका निकल सकता है पानी से निकालें, उसके बाद शैम्पू यूज करें। और शैम्पू नहीं यूज करना तो कुछ लोग होममेड रेमेडीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। पर जिनको लगता है यार इतना थक गए हैं अब कौन करे, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना शैम्पू लें, या कोई भी आप शैम्पू लें और उसको एक ही बार यूज करें, और जितना आपका निकल सकता है ना कलर, उतना एक ही बार में ही निकालें। उसके बाद क्या करें, जब आप नहा लेंगे, आपके शैम्पू कर लिया, उसके बाद आप फिर से तेल लगा लें अपने बालों में, मतलब जब आपके बाल सूख जाए। उससे क्या होगा, आपके बाल क्योंकि अब डैमेज हो जाएंगे, थोड़े बहुत तो होंगे ही कलर से, तो उसके बाद फिर से आप ऑयलिंग कर लेंगे तो फिर बचा लेंगे आप अपने बाल को। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से वॉश करेंगे तो वो फिर से आपका कलर निकल जाएगा। तो अब बात करूंगी मैं स्किन की। हेयर्स की हो गई, अब हम करेंगे स्किन की बात। तो स्किन के लिए क्या करना है आपको, आप प्री पहले मैं बताऊंगी कि पहले से आप क्या करके रखें। तो अच्छे से आप अपने अपने फेस को भी ऑयल लगा लें। अब फेस पे कौन सा ऑयल लगाना है, आप फेस पे कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें, क्योंकि सरसों का तेल आई डोंट थिंक कि ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, तो उससे स्किन ब्लैक हो जाती है। तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, और उसके बाद फिर जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब धूप में जाना है, तो आप उससे पहले सनस्क्रीन लोशन भी अच्छे तरीके से लगा लें, जिससे कि सन बर्न ना हो आपकी स्किन, या और SPF वाली जो होती है ना, अच्छी SPF वाली, वो लगा लें। उससे क्या होगा कि आपकी लेयर्स बन जाएंगी स्किन पे, अगर आपको कोई रगड़ के लगाना भी चाहेगा तो उसकी मंशा जो होगी ना आपकी स्किन खराब करने की, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है आपने ऑयल भी लगा रखा है, उसके बाद सनस्क्रीन लोशन भी लगा रखा है, तो वो आपकी स्किन बची रहेगी। अब मैं बात करूंगी कि हम उसके बाद क्या करें, होली से जब खेल के आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक फेस पैक जो है ना, पहले से ही रात को ही तैयार कर लेना है अपने लिए अगले नेक्स्ट दिन के लिए। तो आपको क्या करना है, हनी, लेमन, बेसन, और आप उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें और उस पेस्ट को बना के रख लें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है मैं उसी वक्त बना लूँगी तो मैं उसी वक्त बना लेना, और अपने उस फेस को, वो जो मैंने आपको बताया, उसको आप अच्छे से अपने रगड़ रगड़ के बिल्कुल भी ना करें, सॉफ्टली बिल्कुल अच्छे से अपने जो स्किन है उसमें कलर जो है वो आराम से निकालें, और आपका इजीली निकल जाएगा सारा कलर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपकी स्किन खराब नहीं होगी, उससे स्किन आपकी बची रहेगी। अब आते हैं हम फेस के बाद बॉडी पे, कि हम बॉडी को अपने कलर्स से कैसे बचाएं, और वो भी केमिकल वाले कलर्स, क्योंकि अब तो केमिकल वाले कलर्स ही होते हैं, पहले के टाइम पे होते थे भाई इतने नेचुरल तरीके से कलर्स बनते थे, उससे हमारी बॉडी खराब किया, उससे और हमारी खूबसूरत हो जाती थी स्किन भी।
तो अब पहले होता था फूल वगैरह पत्तियों वगैरह जो नेचुरल तरीके से बनते थे कलर्स, अब तो खैर केमिकल वाली चीजों से ही बनती है हर एक चीज, तो केमिकल वाले कलर्स से होली खेलो आप सभी। आप चाहें तो वैसे नेचुरल तरीके से भी अपने कलर्स खुद बना सकते हैं घर पे, पर यार अब कौन इतना टाइम वेस्ट किसी के पास है नहीं, और खास तौर से जो बाहर से लोग आते हैं वो तो हमें केमिकल वाले ही लगाएंगे ना, घर वाले तो हमें कोई नहीं लगाएगा। तो हाँ मैं बात करती हूँ हम फुल बॉडी को कैसे बचा के रखें केमिकल वाले कलर से। तो आप क्या करें, अपने पूरी बॉडी को ऑयलिंग कर लें अच्छी तरीके से। ऑयलिंग कर ली उसके बाद अच्छे से फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन लें, क्योंकि अगर आपको अपने कलर से बचा के रखना है तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लें। और क्या करें, कॉटन के कपड़े पहने, कोई और कपड़े ना पहने। कहीं आप जीन्स वगैरह पहन लेंगे ना तो क्या होगा, जीन्स वैसी हैवी होती है और हैवी हो जाएगी जब वो गीली होगी, तो आपको अंदर ही फील वैसे ही होता रहेगा कि हैवी हैवी सा। तो आप कॉटन के क्लोथ्स पहने ठीक है, और वाइट कलर बिल्कुल भी ना पहने ठीक है, और बस इतना काफी है आपकी बॉडी के लिए, इतने में आपके कलर से बची रहेगी बॉडी। और एक बात और मैं बताऊंगी कि आप होली तो खेल लेंगे भाई, होली में इतने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो आपको खाओगे और खाते ही रहोगे। तो इसलिए मैं आपको एक चीज और ध्यान दिला दूं कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है अंदर से भी, तो उसके लिए आप पानी पीना बिल्कुल भी ना भूलें, हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को। क्योंकि क्या होता है, हम और चीजें खाते रहते हैं और हम पानी पीना भूल जाते हैं, और हम मतलब अपनी बॉडी को जब तक हाइड्रेट ही नहीं करोगे तो बाहर से तो कितना भी कर लो यार, फिर अंदर से ही जब क्लीन नहीं रहेगी बॉडी, अंदर से ही अगर प्रॉपर उसको पानी नहीं मिलेगा तो ठीक है ना। तो आप अपने पानी पीते रहें रेगुलर। और मैं ये बताना चाहूंगी, कुछ लोग जैसे भांग खाते हैं उनको नशा चढ़ जाता है, जैसे कई बार होते हैं घर में लोग खा लेते हैं भांग वांग, भांग जब पीने वाली होती है या पकोड़े होते हैं क्योंकि ऐसे में मिलते हैं। तो अगर किसी को भांग का नशा ज्यादा हो जाए तो उसको हम कैसे उतारें, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि नींबू जो होता है ना नींबू, उसको जो जिस बंदे ने जैसे पी है भांग, उसको ज्यादा नशा चढ़ गया है, तो उसको ना नींबू चटाएं, नींबू का रस या निकाल लें, उसको सीधे नींबू का रस ही पिला दें, उससे बहुत फर्क मिलेगा आपको। और भी बहुत सारी रेमेडीज होती होंगी, पर मेरे को अगर मेरे को थोड़ा बहुत अभी ध्यान में आया कि भांग तो भाई जरूरी होती है, तो भांग का नशा कैसे उतारें तो मेरे को अभी याद आया तो मैंने बता दिया। और मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल से, मेरी मैं चाहती थी कि मैं ये शेयर करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार किसी के साथ भी कुछ गलत हो। तो मैं सेव करना चाहती हूँ थोड़ा सा कुछ लड़कियों को, कि जो जैसे कुछ लड़कियाँ होती हैं जैसे ज़्यादातर टीनेजर्स ही होती हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि ना यार चल हम पार्टी करते हैं होली वाले दिन, चल हम कहीं चले जाते हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए। और वो कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा अपने पेरेंट्स से ना झूठ बोल देते हैं, और फिर क्या होता है कि कई बार, क्योंकि ऐसे में होली वाले दिन ही ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जो लड़कियों का फ़ायदा उठाया जाता है, तो मैं चाहती हूँ वो ना हो। तो आप जहाँ पे भी जाएं, पहली बात तो आप घर पे ही खेलें, अपनी सेफ होली खेलें, और अगर आप जा भी रहे हैं तो अपने मम्मी पापा किसी को भी भाई बहन को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाएँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, पूरा एड्रेस, अपने दोस्त का फ़ोन नंबर, पूरा सब कुछ बता के जाएँ, जिससे कि आप सेफ रहें। क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो, सेफ होली खेलें सबके सब। और हाँ कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए उससे भी बच के रहें। एंड थैंक यू, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा कि अगर मेरी वीडियोस जब आएंगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी उसके लिए, और मैं ऐसी वीडियोस अच्छी अच्छी लेके आती रहूँगी आपके लिए। और मैं ये एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस बार आपसे आपके साथ कोई होली की पिक्स या कुछ भी सेलिब्रेशन जो है अपना वो नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि हम इस बार जो कोई भी हमारे फेस्टिवल्स होंगे वो नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में ही जो हमारे मतलब ग्रैंडफादर इन लॉ हैं उनकी डेथ हो गई है, तो इस वजह से हम हमारे कोई भी फेस्टिवल इस बार नहीं मनाऊंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाऊंगी कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया या कुछ, क्योंकि हम सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे ठीक है ना। ओके थैंक यू।